भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन महामिलावटी लोगों के पास सिवाय झूठ, प्रपंच, ठगी कुछ नहीं सोच सकते हैं। इनकी पूरी रणनीति और पूरी राजनीति अफवाहों पर आधारित है। मैं बाबा के पवित्र धाम से अपने आदिवासी भाई बहनों को, वनों में रहने वाले साथियों को फिर बता दूं कि वोट के लिए ये महामिलावटी किसी को भी ठग सकते हैं। आप आश्वस्त रहिए, जब तक मोदी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, तब तक आपकी जमीन, आपके हक को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। साथियों, कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन उसने हमेशा आदिवासी समुदाय को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि जनजातीय मंत्रालय भी उन्हीं की सरकार की देन था। भाइयों और बहनों, आपका ये सेवक अटल जी की प्रेरणा से ही आज डगर डगर पे आगे बढ़ रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने जनजातीय समुदाय को वन संपदा में अधिकार सुनिश्चित कराया है। खनन से होने वाले लाभ का एक हिस्सा उसी इलाके में खर्च हो, इसके लिए हमने बकायदा कानून बनाया है और इसकी वजह से झारखंड को भी करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिल पाए हैं। इन पैसों से यहां स्कूल, शौचालय, पीने का पानी, सड़क और रोजगार के दूसरे साधन बनाए जा रहे हैं। साथियों, वन धन और जन धन योजना के माध्यम से वन उपज का ज्यादा से ज्यादा लाभ आदिवासियों को मिले, उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिले, हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वन उपज पर एमएसपी का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिला करता था, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है।